आज हम आपको बताते हैं कि MD यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के जो रिपीयर के फॉर्म निकले हुए हैं इंटरमीडिएट स्टेप सेमेस्टरों के, तो उनके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। चलिए चलते हैं ब्राउज़र में। ये हमारा यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो गया है। सर्च बॉक्स में जाने के बाद हम MDU स्टूडेंट पोर्टल, ये यहीं पे सेकंड नंबर पे आ गया, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये न्यू न्यू डेस्कटॉप साइट शो होगी, इस पर क्लिक करें। ये यहाँ पे हमारा ओपन हो रहा, तो ये मेन पेज जो स्टूडेंट पोर्टल का मेन पेज है ये यहाँ पे खुल के सामने आ गया है। इसमें जो दिखाया गया है ना स्टूडेंट बुद्धि पीयर इम्प्रूवमेंट एग्जाम नोटिफिकेशन दिखा लिखा हुआ है, इसके नीचे सारी कोर्स की डिटेल वगैरह, फीस वगैरह, लास्ट डेट, सभी क्लासेस वगैरह का सभी का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे आइकन आ गया वेलकम बैक के नीचे, लोग इन जाते, यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट है, एक न्यू एडमिन, एडमिन लगा था आपका काम ही नहीं है, ओल्ड स्टूडेंट के वाले पे क्लिक करना होगा। और जो भी स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट है उनका सबका अपना अपना आईडी क्रिएट होगा, आईडी और पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करना होगा। जैसा कि यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं, ये आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक सेव है, तो लॉगिन पे क्लिक करें। ये साइट, ये उसकी आईडी लॉगिन हो गई है, तो इसको डेस्कटॉप पेज पे ले जाएं। ये खुल चुका है। इसको यहाँ पे जैसे ऑप्शन होगा यहाँ पे एग्जामिनेशन पे जान क्लिक करें। यहाँ पे नीचे चार ऑप्शन खुल के आएंगे, जो पहले वाला है स्पेशल, ये अप्लाई फॉर स्पेशल चांस रिपेयर इम्प्रूवमेंट, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आ गए हैं, नॉर्मल, ये स्पेशल चांस वाला तो उम्र के चांस वाला ही होता है, नॉर्मल वाला हम अभी यहाँ पे नॉर्मल वाले में भरेंगे। और ये यहाँ पे जैसा कि सेमेस्टर वगैरह ये आ गया, ये खुल के आ गया, यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट MA का, BA का, ये है तीन पे, जिसमें भी आपका रिपेयर है जिस सेमेस्टर में भी उस पर क्लिक करें। यहाँ पे ईयर वगैरह, ये ईयर सेमेस्टर वो आ जाएगा, वो आप कंप्लीट करें। यहाँ पे जो पिछले वाला रिजल्ट है वो शो करेगा, रिजल्ट पास करेगा, उस पर क्लिक करने के बाद ये पेपर आपके पेपर शो होंगे, इनमें से सेलेक्ट करें। और क्लिक करने के बाद आगे फीस का ऑप्शन आएगा, तो बैंक के एक्सिस बैंक के द्वारा नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा।